आशुतोष, आप किस तरीके की तैनाती यहाँ पुलिस वालों की देख रहे हैं, और क्या आप तो आज आपका पहला दिन आप यहाँ पहुंचे हैं, आप किस तरीके से महसूस कर रहे हैं यहाँ पर स्थितियाँ क्या दिख रही है आपको? बिल्कुल अर्पिता, आपको बताएं कि लगातार इस घटनाक्रम पर हमारी नजर बनी हुई है, स्टूडियो से लगातार एंकरिंग करता रहा हूं, लेकिन आज घटनाक्रम वाली जगह पे पहला दिन है निश्चित तौर पर, जैसा कि आप बता रही हैं। सबसे पहले दर्शकों को यहां की ताजा स्थिति, ताजा जो तस्वीरें हैं वो हम सभी दर्शकों को पहुंचा दें, क्योंकि ये भी जानना जरूरी है। पहले हम पॉलिटिकल बात कर लेते हैं, क्योंकि ये भी कहीं ना कहीं सियासी पर्यटन का केंद्र अब होता जा रहा है। कल जैसे कि सबसे पहले वृंदा कारंत लेफ्ट नेता यहां पर पहुंची, उसके बाद असदुद्दीन ओवैसी ने यहां पर आने की कोशिश की, हालांकि उनको रोक दिया गया। आज अजय माकन कुछ लोगों के साथ पहुंचने वाले हैं कांग्रेस की तरफ से, और जानकारी मिल रही है कि पश्चिम बंगाल से टीएमसी के लोग भी निकल चुके हैं इस जगह के लिए। तो कुल मिलाकर राजनीतिक सरगर्मियां इस घटनाक्रम को लेकर काफी जोरों पर हैं, और आरोप प्रत्यारोप लगातार हम देख पा रहे हैं। लेकिन आज जो घटनाक्रम है, सबसे ज्यादा अगर निगाहें हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट पर निगाहें हैं कि आखिर उनका फैसला क्या कुछ सामने निकल कर आता है, क्योंकि कल सुप्रीम कोर्ट ने लगभग 3 घंटे तक बुलडोजर चला था, उसके बाद से स्टे दे दिया था। स्टे ऑर्डर आने में थोड़ी यहां पर देरी हुई, जैसे ही अधिकारियों को स्टे ऑर्डर मिल गया उसके बाद से कार्रवाई रोक दी गई। लेकिन बहुत लोगों का आरोप था कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, उसके बावजूद भी कार्रवाई की गई। और हम दर्शकों तक अब यहां की तस्वीरें पहुंचा देते हैं, और ये भी बता दें कि देश की सारी जो मीडिया है उसका ये अभी जमावड़ा है, आप देख सकते हैं। कैमरा पर्सन आलोक से कहूंगा कि इन तस्वीरों को भी साझा करें और इस तरफ लेकर आएं। आलोक जी, इस तरफ आएं और दिखाएं। देखिए, ये जो जगह है, दरअसल हर जगह बैरिकेडिंग आपको नजर आएगी, पुलिस वाले हर जगह आपको नजर आएंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान यहां पर तैनात हैं, क्योंकि कल पारा बहुत, टेम्परेचर भी हाई था, इसलिए माहौल भी बहुत गर्म था। आज हम देख पा रहे हैं कि थोड़ी हवा भी चल रही है, टेम्परेचर में भी नरमी है, माहौल में भी नरमी है, ये भी एक बात है। वो रहा मस्जिद, मस्जिद के नीचे जो अवैध का जो अतिक्रमण था उस पर कार्रवाई हुई, बुलडोजर उस पर चला, और बहुत सारे जो यहाँ पर अवैध इंक्रोचमेंट थे उस पर चलाया गया अर्पिता। और देख सकते हैं, ये तस्वीरें लाइन से हम दिखा रहे हैं, वहां पर बुलडोजर चला। और जिस गुप्ता जी की दुकान की चर्चा है, और कह रहे थे कि कागज हम दिखाएंगे, लेकिन कागज उनके पास दरअसल उस वक्त निकला नहीं, वो दुकान रही और जूस कॉर्नर। और साथ ही बहुत आरोप लग रहा था कि एक तरफा जो है कार्रवाई की जा रही है एमसीडी की तरफ से, नॉर्थ एमसीडी पर आरोप लगे। एमसीडी मेयर से बातचीत हुई तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि देखिए, ऐसा कुछ नहीं है, धर्म विशेष पर बुलडोजर नहीं चलाया गया है, यह बुलडोजर इंक्रोचमेंट के खिलाफ था, अतिक्रमण के खिलाफ था, क्योंकि यह गुप्ता जी के दुकान पर भी चला है, झा जी की दुकान पर भी चला है, इसलिए धर्म को बीच में ना लाया जाए, ये जो अतिक्रमण है उसके खिलाफ ही अभियान है। और ऐसा नहीं है कि यह अभियान कल से शुरू किया गया, यह अभियान 11 अप्रैल से शुरू किया गया था, और लगातार बीच बीच में जब भी अतिक्रमण देखा गया है उस पर यह बुलडोजर चलाने की कार्रवाई हुई है। यहाँ पर ड्रोन से भी जो है स्थितियों पर नजर रखी जा रही है, यहाँ पर चारों तरफ तैनाती तो हमने दिखा दी, हमारे तमाम सहयोगी अलग अलग जगहों पर मौजूद है जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ड्रोन की मदद से भी देखा जा रहा है कि स्थितियां अलग अलग इलाकों में, क्योंकि आपको यहाँ ये बता दें कि यहाँ जो रास्ते हैं, जो गलियां हैं, वो बहुत संकरी हैं, और वहां तक पुलिस बार बार वक्त पे गश्त जरूर कर रही है, लेकिन एक नजर बनानी सबसे जरूरी है, क्योंकि कब कहां से पत्थर चल जाए कोई अंदाजा नहीं है, कब कहां माहौल बिगड़ जाए इसका भी अंदाजा नहीं, और इसी अंदाजे को लेने के लिए, इन्हीं चीजों को भापने के लिए देखिए आप यहाँ ड्रोन, आप देख रहे हैं ड्रोन की नजर से यहाँ पर निगरानी की जा रही है। तस्वीरें मैं एक बार फिर से शगुन से कहूंगी, वो जरा दिखाएं, वहां पर देखिए किस तरीके से ड्रोन की नजर से यहाँ पर पूरे इलाके पर ये ड्रोन घूम रहा है, जो देख रहा है कि आखिरकार किस तरीके की स्थितियां बनी हुई है, सब जगह शांति है या नहीं है, क्योंकि यहाँ जो स्थितियां हैं पुलिस की तैनाती मैं देख रही हूँ कम नहीं हुई है, क्योंकि मेरा चौथा दिन है आज यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रही हूँ मैं ग्राउंड से। लगातार जो तैनाती मैंने पहले दिन देखी वही मुझे दूसरे दिन, हालांकि कल वो तैनाती ज्यादा थी, क्योंकि कल देखिए बुलडोजर यहां पर आया तो ये कहा गया कि ज्यादा टीमों को बुलाया गया है कि कहीं कोई ऐसी स्थिति पैदा होती है तो उससे निपटना कैसे है, और आज भी क्योंकि कोर्ट का ऑर्डर आएगा तो जैसे मेयर ये बात कह रहे थे, मेयर ये कह रहे थे कि अगर कोर्ट का ऑर्डर आ जाता है तो हो सकता है आज भी कार्रवाई हो, इसलिए भी भारी तैनाती यहाँ पुलिस बल की आप देख रहे हैं। अब देखिए इसको लेकर सियासत भी तेज है, कल ओवैसी आए उन्होंने क्या कहा यहाँ आने के बाद वो आपको सुनवाते हैं। जो हमने ग्राउंड पे देखा उसमें बेशक मुसलमानों के घर और दुकानें भी टूटी हैं, लेकिन हिंदुओं के घर भी टूटे हैं, उसमें दो दुकानें हैं ऐसी सर, है ना, आपको तो आपके आंख पर पर्दा पड़ चुका था नफरत का, आप तो पहचान भी नहीं थे, आपने दिखाया आपने चैनल पर गुप्ता साहब का, उनकी पीड़ा दिखाई, उनका चीख, उनकी तकलीफ दिखाई, हमको भी अंदर तकलीफ हुई। अरे वो कह रहे कागज है तो कागज तो देख लेते, कागज नहीं देखे, नहीं देखे, नोटिस नहीं देते आप, ये प्रिंसिपल्स ऑफ नेचुरल जस्टिस के खिलाफ है भाई। कौन सी
30% ऐसा इलाका दिल्ली में जहां पर अनऑथराइज कॉलोनी देकर तोड़ देंगे आप, वोट लेते हैं तो सबसे वोट ले लिए सरकारें, चाहे आप हो या बीजेपी हो, आज आप उनको तोड़ रहे हैं, पेट पे लात मार रहे हैं, बल्कि नहीं उनको खत्म कर रहे हैं आप इकोनॉमिकली। इससे बड़ा विजिलेंटी जस्टिस की मिसाल क्या हो सकती है? और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि बुलडोजर चलेगा तो अंसार पे चलेगा, अजय टेनी पे नहीं चलेगा। तो आप कह रहे हैं कि ज्यादा जो कार्रवाई हो रही है वो सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ ही हो रही है? कार्रवाई नहीं, ज्यादातर लिखित में दे रहे हैं बीजेपी के लीडर्स दिल्ली में कि ये एक्स वाई जेड इनका नाम है, ये पत्थर फेंके, इनका घर तोड़ो, लेटर है दे रहे हैं, लेटर लिखकर उसके बाद आप ऑर्डर इश्यू करते हैं। फिलहाल देखिए किस तरीके से बुलडोजर की कार्रवाई चली है। यहाँ पर ये गुप्ता जी की दुकान के पास मैं बैठी हूँ, जहाँ पर कल पूरे दिन गुप्ता जी बैठे रहे इस बात से नाराज कि उनकी बात तक नहीं सुनी गई। इस तरीके के आज हालात यहाँ पर हैं।